दोस्तों बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र सुर्खियों में छाए हुए हैं। आपको बता दें कि कल रात उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद फैंस काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब उनकी तबीयत ठीक है और वो घर अपने वापस आ चुके हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी कैसे हुई थी और उन्हें क्या क्या करना पड़ा था। धर्मेंद्र और हेमा की पहली मुलाकात वो हंसी में जवां के सेट पर हुई थी। यही धर्मेंद्र की वो हेमा मालिनी दिल दे बैठी थी। हेमा के प्यार में पड़ने से पहले ही धर्मेंद्र एक शादी कर चुके थे, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह ना करते हुए हेमा से बेपनाह प्यार किया। हेमा से शादी करने से पहले धर्मेंद्र अपनी शादी शुदा ही नहीं बल्कि 4 बच्चों के पिता थे। ये बात शायद कुछ लोग ही जानते होंगे। धर्मेंद्र और हेमा के प्यार में भी कोई सारी रुकावटें आई। हेमा के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया और दोनों ने शादी कर ली। ऐसे शादी करने के लिए धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को तलाक देना चाहते थे, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं थी, जिसके बाद धर्मेंद्र और हेमा ने शादी करने के लिए धर्म बदल लिया था। तब विवादों के बाद हेमा और धर्मेंद्र ने 1980 में शादी के बंधन में बंध गए, जिसके बाद उन्हें चारों तरफ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इससे पहले हेमा मालिनी की शादी की बात विनोद खन्ना से चल रही थी। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।